कैसे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या फेसबुक का स्टोरी को विथ म्यूजिक या विदाउट म्यूजिक कैसे डाउनलोड कर सकते हो, या आप किसी और का स्टोरी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना फेसबुक ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आपको आपके सामने ही लाइव प्रूफ एक स्टोरी लगा देता हूँ एंड उसमें आपको म्यूजिक ऐड करके दिखा देता हूँ। अगर आपको जानना है या कोई स्टोरी में म्यूजिक कैसे ऐड करना है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाकर रखी है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। चलो मैं आपके सामने एक स्टोरी लगा लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने ऐड टू स्टोरी में क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं कोई सा भी एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको म्यूजिक का सिंबल दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड जो से भी आपको म्यूजिक को डाउनलोड करना है आपको उस म्यूजिक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐड टू स्टोरी में क्लिक कर देना है। गाइस ध्यान रखना मैंने हेडफोन ला कर रखा है जिसकी वजह से आपको साउंड नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फिर आपको जहाँ इसे लगाना है वहाँ आप लगा दो। फिर यहाँ पर शेयर नाउ में क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो जो स्टोरी है वो लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको रिफ्रेश कर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो एडिंग योर स्टोरी दिखा रहा है, ठीक है। एंड गाइस आप अभी का अभी इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, ठीक है। एंड गाइस हम 37 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तब तक ये स्टोरी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा स्टोरी लग रहा है, जब तक लग जाता है तब तक मैं इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और एक बार रेफ्रेश कर ले रहा हूँ क्या दिखा रहा है, अभी तक लग ही रहा है, ठीक है गाइस। चलो ये लग जाएगा, ठीक है। फिर आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे। मैं एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक दूंगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। या आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो। गाइस इस ऐप का नाम है फेसबुक स्टोरी सेवर, ठीक है। चलो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सर्च किया फेसबुक स्टोरी सेवर, ठीक है। गाइस वीडियो को एंड होने के बाद अपना फीडबैक जरूर कमेंट करना, ठीक है। आप सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लो, फिर इस ऐप को ओपन करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर देखो लॉग इन विथ फेसबुक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है, फेसबुक अकाउंट से इसमें लॉग इन कर लेना है। चलो मैं आपके सामने इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैं अपना जो यूज़र नेम है वो आपको डालता हूँ, फिर आपको इसमें लॉग इन कर दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। ठीक है तो मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, यहाँ मैंने पासवर्ड भी डाल लिया। फिर आपको सिंपली क्या करना है, लॉग इन में एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर देखो लोडिंग ले रहे हैं, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ये वो स्टोरी है जो हमने लगाया था, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर से कुछ प्लीज वेट करने के लिए बोल। फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखो दूसरा आपको बटन दिख रहा होगा, आपको सिंपली क्या करना है, स्टोरी वाले बटन पर एक बार इसमें क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अनेकों स्टोरी आ जाएंगे, ठीक है। जिसका भी आपको स्टोरी डाउनलोड करना है आपको सिंपली उसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलो मैं अपना आपको खुद के डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना वाले स्टोरी पे एक बार क्लिक किया, जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरा जो स्टोरी है वो अभी खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लाइव प्रूफ मेरा स्टोरी खुल गया। यहाँ पर आपको दो डॉट मिलेंगे, आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऊपर आपको देखो आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो मैं आपको इसे गैलरी में आपको दिखाता हूँ कि अगर डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। जैसे डाउनलोड हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस मैं अपना गैलरी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने अपना गैलरी ओपन किया, मेरे को ऑल फोटोज ओपन हो रहे हैं, मेरे को फोन स्लो है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखो ये वही वीडियो है जो हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। और मैंने और एक वीडियो डाउनलोड किया था, देखो यहाँ पे विथ म्यूजिक के साथ, यहाँ पर देखो म्यूजिक लगा हुआ है, तो मैंने इसे भी डाउनलोड किया था, तो ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर वीडियो है देख लो गाइस। हाँ मैं इसे प्ले नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पता ही है हेडफोन लगा हुआ है तो इसके वजह से प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया क्या फेसबुक के स्टोरी को विथ म्यूजिक डाउनलोड कैसे कर सकते हो, या किसी और का भी आप स्टोरी को कैसे नाम कर सकते हो। तो वैसे यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड और इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।